हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं श्रीकांत राय और आज कमेंट आंसर सेक्शन पार्ट टू है, जिसमें हम आपको जो है बताएंगे कि जो कमेंट्स पूछे गए थे उनके बारे में जो है कुछ हम बात यहां पे करेंगे। और ये जो वीडियो है ये सभी के लिए उपयोगी है, जो भी अभ्यर्थी हमारे जो है वीडियो को देख रहा है या अभी जो अभ्यर्थी जो है बिहार शिक्षक बहाली में जो है भाग ले रहा है उसके लिए भी ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि हो सकता है उसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो और ना पूछ रहा हो। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सारे जो कमेंट्स के जो आंसर हैं वो आपके लिए जो है काफी उपयोगी हो सकते हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच सके। तो ये शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, लेते हैं कि पहला कमेंट्स में जो प्रश्न पूछा गया वो क्या है। इसमें जो है ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के पूछे गए हैं और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में पूछे गए हैं। तो इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहला जो कमेंट है वो ले लेते हैं। पहला जो कमेंट है उसमें लिख रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर ज्यादा है। इनका जो कहना है कमेंट बॉक्स में कि इनका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना यानी कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट था उसमें जो है नंबर कम था और जब फाइनल मेरिट लिस्ट का जो प्रकाशन हुआ उसमें जो है नंबर इनका ज्यादा हो गया, अब ये क्या करें। तो ये जो है ये प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के लिए जो है देखने में आ रही है। और ये जो नंबर जो कम ज्यादा होते हैं ये टाइपिंग मिस्टेक, नियोजन कर्मचारी जो है क्या है वो टाइपिंग मिस्टेक के चलते जो है ऐसा हो जाता है, नंबर जो है किसी का कम हो जाता है या किसी का ज्यादा हो जाता है। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर उनका जो मार्क्स है टी मेरिट का जो मार्क है वो ओरिजिनल नहीं रहता है, वो जो टाइपिंग मिस्टेक के चलते इधर उधर हो जाता है। तो अब जब ज्यादा हो गया है या कम हो गया है तो क्या करना चाहिए, यही इनका जो है प्रश्न है। तो इसमें सीधा सा जवाब यही कि आप इस पर एक ऑनलाइन आपत्ति फिर से दर्ज कराइए, ठीक है। आपको जो है ऑनलाइन आपत्ति जो है दर्ज करानी होगी कि मेरा जो सही मार्क है वो ये है, और उसका जो है आपको जो है आवेदन का अगर आपके पास कोई फोटोकॉपी है या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आपकी जो पहले की जो पब्लिश हुई थी उसका जो प्रिंट आउट है उसको लेकर के उसको जो है मोबाइल से कैमरे से जो फोटो खींचिए और उसकी स्कैन इमेज जो है उसमें ऑनलाइन आपत्ति में आप दर्ज कराइए और उसको जो है पेन से राउंड कर दीजिएगा कि मेरा जो ओरिजिनल जो मेरिट लिस्ट था उसमें जो अंक था वो जो आपने प्रोविजनल में जो है डाला था वही था, उसको जो है सही कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपको करना होगा तभी आपका जो है नंबर सही होगा। और अगर आपका मेरिट अंक जो है सही नहीं होता है तो फिर आपको जो है काउंसलिंग में जो है दिक्कत हो सकती है और फिर बिल्कुल दिक्कत होने का मतलब है कि आपकी नौकरी फिर नहीं लगेगी, ठीक है। तो अगला जो कमेंट है वो हम आपको जो है फिर ले लेते हैं। अगला कमेंट जो है अगला जो कमेंट है वो जो है ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में है, ठीक है। ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसमें कह रहे हैं कि जो प्रोविजनल है यानी कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैलिडिटी जो है 6 मंथ की होती है। ग्रेजुएशन के बाद जो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ की होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप अपने ग्रेजुएशन का और बीएड का, ठीक है, ग्रेजुएशन और बीएड दोनों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है ले लीजिएगा। अगर आपको अभी तक ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली है तो पहला काम तो यही करना है कि आपको अगर जो है ज़्यादा लंबा समय हो चुका है दोनों कोर्स किए हुए तो आप अपना जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है जाकर के अप्लाई कर दीजिए। अभी भी समय है, आपको 1 महीने में मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर दीजिए, लेकिन वो 6 मंथ तक ही वैलिड होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रोविजनल में जो है कुछ गलत है और फाइनल मार्कशीट में भी जो है गलत है तो क्या कुछ नुकसान होगा। अब इनका सवाल मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है। ये कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसमें जो है गलत है और जो फाइनल मार्कशीट है उसमें भी जो है कुछ गलत है, क्या गलत है इन्होंने बताया नहीं है। मैंने रिप्लाई किया था और पूछा था कि क्या गलत है आप बताएं पहले, उसमें गलती क्या है, नाम में गलती है, नंबर में गलती है, क्या गलती है। तो देखिए जो फाइनल मार्कशीट होती है उसी से आपका प्रोविजनल बनता है, ठीक है। यानी कि जो पुरानी मार्कशीट होती है जो पहले की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की उसको देख के ही आपको जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो प्रोविजनल में जो गलती है उसको आपको सुधार करने की जरूरत नहीं, आप अपनी जो फाइनल मेरिट मार्कशीट है उसमें अगर नाम पता है कुछ भी जो है नाम वगैरह या रोल नंबर में प्रॉब्लम है तो आप उसको जो है यूनिवर्सिटी से जो है सही करा सकते हैं एक एप्लीकेशन आवेदन दे करके। तो आप अपनी फाइनल मार्कशीट को सुधार कराइए, आपका जो प्रोविजनल है वो अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। अगला जो कमेंट आया है उसमें जो है लिख रहे हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर गलत है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे जो है अभ्यर्थियों के साथ देखने के लिए मिल रही है कि उनका जो मेरिट अंक है या तो जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है कम कर दिया गया था ज्यादा किया गया था। तो ये जानबूझ के नहीं किया गया है, बहुत माइनर तरीके से कभी कभी जो है जानबूझ के किया जाता है अपने कैंडिडेट को ऊपर नीचे करने के लिए। लेकिन जो है अगर ज्यादा ऐसा अंतर है 5 अंक का 4 अंक का, ठीक है, जैसे आपका 8 लिखना है या 9 लिखना है या 6 लिखना है या 7 लिखना है, तो जो नियरेस्ट जो नंबर होते हैं उनको टाइपिंग करने में मिस्टेक के चलते ऐसा जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। या ऐसे कुछ जो है संख्या होती है जैसे 69 है, 79 है, 89 है, ठीक है, तो इनको टाइप करने में वो मिस्टेक कर जाते हैं तो नंबर कम ज्यादा हो जाते हैं। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑनलाइन आपत्ति जो है दर्ज करा देना है और जिस मेरिट लिस्ट में जो है सही नंबर जो है शो कर रहा था उसकी जो है स्कैन कॉपी जो है आपको ऑनलाइन आपत्ति करते समय जो है देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है लिख रहा है अगला जो कमेंट आ रहा है कि प्रोविजनल में नाम है तो फाइनल में भी नाम होगा। इनका जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि मेरा जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो नाम है, ठीक है,
और क्या वो फाइनल में भी होगा? तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सही बात है कि अगर आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम है तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है बिहार शिक्षक बहाली में कि जो सीधी भर्ती हो रही है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो है नाम आया हो और फाइनल मेरिट लिस्ट से नाम हटा दिया जाए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है एक तरीके की औपबंधिक मेधा सूची होती है, उसको जो है चेक करने के लिए बनाया जाता है और उसी के ऊपर आपत्ति ली जाती है कि उसको बाद में सुधार कर दिया जाए। ठीक है, जो कोई गलती होती है तो उसको सुधार करके जो लिस्ट प्रकाशित होती है उसी को फाइनल मेरिट लिस्ट कहते हैं। और अभी मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आया था, ठीक है, तो वो जो है इसी बारे में था कि फाइनल मेरिट लिस्ट और औपबंधिक मेधा सूची में क्या अंतर होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल कंफ्यूजन में आप रहिएगा। ठीक है, तो फाइनल में भी नाम रहेगा और आपका प्रोविजनल में भी नाम रहेगा, नाम दोनों जगह रहेगा। और अगर नाम जो है प्रोविजनल में शामिल है और फाइनल में नहीं आता है तो बिल्कुल वहां पे आपको ऑनलाइन आपत्ति जो है दर्ज करा देनी है कि मेरा प्रोविजनल में नाम था और फाइनल में गायब है, और प्रोविजनल की स्कैन कॉपी लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है कि प्रोविजनल में नाम है पर फाइनल में नहीं है। ठीक है, ये मिस्टेक ज्यादा देखने के लिए, एक तो आपकी जो है नंबर वाली मिस्टेक ज्यादा आ रही है। ठीक है, किसी के नंबर कम हो जा रहे हैं, किसी के ज्यादा हो जा रहे हैं, किसी के कम हो जा रहे हैं, किसी के ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो है देखने में आ रही है कि प्रोविजनल में नाम था तो फाइनल में नहीं है। ठीक है, तो फाइनल में नाम है और प्रोविजनल में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ज्यादातर मिस्टेक ये हो रही है कि प्रोविजनल में मेरा नाम था और फाइनल में नहीं है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी होगी। प्रोविजनल की जो है आप स्कैन कॉपी लगा के ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, आपके आज के जो कमेंट सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, 5 क्वेश्चन मैंने लिए थे। ठीक है, एक बात यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन आपत्ति के माध्यम से अगर दर्ज करने पे आपकी आपत्ति का निराकरण नहीं हो रहा है और आपके अगल बगल ही वो नियोजन इकाई है, यानी कि आपके 40-50 किलोमीटर के रेंज में भी है, तो आप वहां पे ऑफलाइन जाकर के बकायदा जो है नियोजन इकाई के जो कर्मचारी हैं, जो हेड है, उसके नाम से एक एप्लीकेशन लगा करके और जो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं वो लगा करके आप अपनी जो है आपत्ति का निराकरण करवा सकते हैं। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन ही देंगे, अगर ऑनलाइन सुधार नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप ऑफलाइन जाकर के डॉक्यूमेंट्स अपना ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं और अपने आपत्तियों का निराकरण कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और कभी भी कोई जो है मना नहीं कर सकता है। अगर कोई मना करता है तो आप शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे जो है आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वो हमेशा 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहते हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, तो आप उनसे इस विषय पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ये आपके सामने मैंने जो है सारे कमेंट सेक्शन और जवाब जो है रख दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी उपस्थित होते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।